यूपी के रामपुर में आजम खान और उनका परिवार कानून के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के मामले में रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। यह मामला रामपुर के स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे 6 कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया है। भाजपा के आकाश सक्सेना ने थाना सिविल लाइन्स में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने असत्य और कटुरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है। आरोप है कि विधायक के शैक्षिक प्रमाण पत्रों, हाई स्कूल बीटेक और एमटेक में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जिससे उन्होंने फर्जीवाड़ा बताया है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आखिरकार रामपुर पुलिस कब तक अब्दुल्ला आजम खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। आज अब्दुल्ला आजम की कोर्ट में वैसे कोई तारीख नहीं थी, लेकिन एक मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज हुआ था, धारा 420, 467, 468, 471 IPC और पासपोर्ट अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें जो विवेचक महोदय हैं, उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसको कोर्ट ने ये कहते हुए विवेचक को वापस कर दिया कि ये एक हीनियस क्राइम है, इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। तो ऐसे मामले में या तो मुलजिम पहले से जमानत पर हो या कोई हाई कोर्ट का आदेश हो, स्टे हो उसके मामले में, तभी आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। और जिन मामले में 7 साल से ज्यादा सजा होती है उस मामले में न्यायालय आरोप पत्र नहीं लेता है। और यही कहते हुए कि जो माननीय उच्च न्यायालय की तमाम सारी रूलिंग इस मामले में है, तो उन्होंने यही कहते हुए उस चार्जशीट वापस कर दी कि या तो मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करें न्यायालय की अभिरक्षा में हो, या माननीय उच्च न्यायालय का कोई ऐसा स्टे आर्डर वगैरह हो, तभी यह इस पर संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये मामला क्या था? ये उनका पासपोर्ट से संबंधित मामला था, जिसमें थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज कराई गई थी, जो 420, 467, 468, 469, 471 जो धारा है, इसमें हिंदी क्राइम है, इसमें 10 साल से ज्यादा तक की सजा है, आजीवन कारावास तक की सजा है। ये ऐसे मामले में ये किसका मामला है? ये अब्दुल्ला आजम साहब का। अच्छा, मामला है। तो कोर्ट ने किसको कहा है ये सारी बात? ये विवेचक पुलिस के लिए कहा है, विवेचक को कहा है, पुलिस के लिए निर्देश दिया है कि या तो उनको गिरफ्तार करके पेश करें, या अभिरक्षा पेश करें, या कोई मुलजिम कोई ऐसा माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश ऐसा दिखाए कि वो उसमें कोई स्टे है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। डायरेक्ट पुलिस को ये कहा है कि कोर्ट में गिरफ्तार करके लेकर आए? गिरफ्तारी प्रोसीडिंग ऐसी होती है कि ऐसे मामलों में कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है। जिन मामलों में 7 साल से अलग का मामला होता है, सजा होती है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है। और यही कहते हुए कोर्ट ने विवेचक को चार्जशीट वापस कर दी, कोई संज्ञान नहीं लिया उस पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।